मोहम्मद रफी साहब बेमिसाल गायक और इंसान तो थे ही, वो खाने पीने के जबरदस्त शौकीन भी थे। उनके जानने वाले उनकी इस खासियत को बखूबी जानते हैं। वो एक अच्छे मेजबान भी थे। खाना और खिलाना उनकी तबीयत में शुमार था। संगीतकार खय्याम ने एक इंटरव्यू में बताया कि उन्हें और उनकी पत्नी जगजीत कौर को मोहम्मद रफी साहब अक्सर दावतों में आमंत्रित करते थे। दोस्तों, उनके खाने खिलाने के कई किस्से मशहूर हैं, मगर एक किस्सा ऐसा है जिसे जानकर आप हैरान रह जाएंगे। ये बात तब की है जब मोहम्मद रफी साहब ब्रिटेन के कोवेंट्री में एक शो करने गए थे। ये उनका लाइव कंसर्ट था। वहाँ उनकी बहू अपने पति यानी मोहम्मद रफी साहब के बेटे खालिद के साथ उनसे मिलने पहुँची। उन्हें रफी साहब कुछ मायूस से नजर आए। यास्मीन के पूछने पर रफी साहब ने बताया कि वहाँ जो खाना मिल रहा है वो उन्हें पसंद नहीं है। कुछ देर बाद रफी साहब ने अपने बेटे और बहू यास्मीन से पूछा, यहाँ से लंदन कितनी दूरी पर है? तो जवाब मिला, तकरीबन 3 घंटे का सफर है। ये सुनकर रफी साहब ने यास्मीन से पूछा, क्या तुम घंटे भर में दाल चावल और चटनी बना सकती हो? तो यास्मीन ने कहा, हाँ डैडी, बना दूंगी। ये सुनकर रफी साहब बोले, तो ठीक है, हम सब लोग यहाँ से सीधे लंदन चलते हैं, वहीं पर खाना खाएंगे। इस बात को किसी को बताने की कोई जरूरत नहीं। हमारी पूरी कोशिश रहेगी शो से पहले ही शाम 7 बजे या इससे पहले हम कोवेंट्री वापस लौट आएंगे। उनका ये प्लान सुनकर वैसे तो दोनों हैरान रह गए, मगर राजी भी हो गए। फिर रफी साहब अपने बेटे और बहू यास्मीन के साथ लंदन के लिए रवाना हो गए। लंदन में उनका अपना घर था, इसलिए कोई समस्या नहीं थी। वहां पहुंचकर यास्मीन ने झटपट दाल चावल और चटनी बनाई, साथ ही प्याज टमाटर की सलाद को भी तैयार किया। मोहम्मद रफी साहब ने छककर खाना खाया। फिर रफी साहब का दिल खुश हुआ और यास्मीन को बहुत सारी दुआएं दी। फिर वापस कोवेंट्री शो करने के लिए रवाना हो गए। वहां मौजूद लोगों ने उन्हें देखकर पूछा कि आखिर आप कहां चले गए थे, यहां सब आपको खोज रहे थे। ये सुनकर मोहम्मद रफी साहब धीरे से मुस्कुराते हुए बोले, हम खाना खाने के लिए लंदन गए हुए थे। ये माजरा सुनकर वहाँ के लोग हैरान रह गए। तो दोस्तों, ये था मोहम्मद रफी साहब का एक दिलचस्प किस्सा। पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, जब तक के लिए खुदा।